नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरदीप सिंह और आज का जो विषय है वो है पीडीआई, मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब आप अपनी गाड़ी लेते हो तो उससे पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, इस विषय में आज की वीडियो है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये वीडियो आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ अपने आईफोन 13 प्रो से, जिसका मैंने एक मिनट का रिव्यू भी डाला है कि जो मेरा ये 6T है, ये 3 साल से मैं यूज़ कर रहा था और ये कैसे अभी भी जो है बहुत वैल्यू फॉर मनी है और आईफोन 13 के क्या प्लस है नेगेटिव्स हैं। और चलो वो आप एक मिनट वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, आज ही मैंने डाली है। बाकी ये पीडीआई की मुझे बहुत सारी इसकी रिक्वेस्ट्स आ रही थी, इसलिए मैंने ये विषय पे आपसे चर्चा करने का विचार किया है और आई एम श्योर कि ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक का, तो मैंने ये एक पेन डाउन किए हैं अपना एक्सपीरियंसिस के क्या क्या चीजें आप भूल जाते हो। बाकी कुछ लिंक्स मैं नीचे आपको शेयर भी कर दूंगा TMBHP के या कुछ किसी और वेबसाइट के, जहाँ पे और विस्तार में आप देख सकते हो कि पीडीआई परफेक्टली आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत के आपके पैसे होते हैं जब आप गाड़ी लेते हो। एक्साइटमेंट में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी बाद में आपको थोड़ा सा पछताना पड़े या फिर आपको शोरूम के ज़्यादा चक्कर मारने पड़े या उनको चेस करना पड़े, क्योंकि उन्होंने तो अपनी गाड़ी बेचनी है। थोड़ा जल्दी जल्दी में वो होते हैं हर चीज़ का, वो कस्टमर के तरीके से ध्यान नहीं रख सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना वेस्ट किए हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ जो बुलेट पॉइंट्स हैं मैंने जो बनाए हैं। पहला जो सबसे मेन पॉइंट है वो है आस्क फॉर अ डेमो। जब आप अपनी गाड़ी लेते हो तो उनका दायित्व बनता है, जो उधर सेल्समैन है, दे ऑट टू टेल यू ईच एंड एवरी फीचर। जैसे आप वॉशिंग मशीन लेते हो, टीवी लेते हो, फ्रिज लेते हो तो आपको डेमो फ्री मिलता है, आप अपनी गाड़ी का डेमो जरूर लीजिए। और बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि मैं घर जाके इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो सीख लूंगा, क्योंकि मेरे केस में T-Roc में मैंने एक एक चीज पूछी थी, क्योंकि इतनी सोफिस्टिकेटेड गाड़ी ना तो मैंने आज तक चला के देखी थी ना मुझे इसके बारे में ज्यादा पता था। तो ये चीज जो है आस्क फॉर अ डेमो, आप हमेशा जो भी आप गाड़ी ले रहे हो एक एक फीचर जो है उनसे पूछिए, चाहे 10 बार पूछिए, चाहे उस चीज को आधा घंटा घंटा लग जाए। इतनी महंगी गाड़ी आप ले रहे हो, इतने पैसे दे रहे हो और उनका समझाना आपको दायित्व है। आप जितनी बार चाहे उनसे कोई भी फीचर आप पूछ सकते हैं, उसमें ये डुअल जोन क्लाइमेट एसी जैसी चीज हो सकती है, चाहे आप पावर विंडोज के कंट्रोल्स आप पूछ सकते हो, पैनारोमिक सनरूफ के फीचर्स आप पूछ सकते हो, या कोई और गाड़ी अगर है तो सारा वाइपर्स कैसे काम करते हैं, ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर कैसे काम करता है, फोल्डिंग मिरर कैसे काम करते हैं, चाबी कैसे काम करती है, एक एक चीज आप पूछिए उनसे, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, आपका हक है ये। दूसरा पॉइंट दोस्तों, चेक कार क्लोजली फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर। ये सुनने में बड़ा ऑब्वियस सा है बट करता कोई नहीं है। मैंने दोनों बारी, मेरी T-Roc में भी 2 बार मैंने की है ये, आधा घंटा लगा के मैंने एक एक नुक एंड कॉर्नर देखा है कि हल्का फुल्का कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जहां पे हल्की फुल्की टचिंग की हो। हालांकि ये बहुत एक हॉकी चाहिए देखने के लिए, बट फिर भी जो एज अ नॉर्मल पर्सन मैं कर सकता हूँ मैंने किया। पापा की गाड़ी में भी मैंने जो है 30-40 मिनट आराम से लगाए, जब तक अंदर पेपर वर्क जो है शुरू होने वाला था, तो मैंने पेशेंस के साथ जो है रेड पोलो को ध्यान से देखा कि कहीं भी, देखिए गाड़ी पुणे से जैसे आती है या साउथ इंडिया से बन के आती हैं गाड़ियां, तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं। तो वो आप 30-40 मिनट लगा के ऊपर नीचे साइड पे सारा बम्पर्स के नीचे होके आपको जरूर देखना चाहिए कि कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं है गाड़ी में, कहीं बम्पर हल्का फुल्का भी अगर उसका MM ज्यादा है फिटिंग में तो समझ लीजिए दोबारा लगाया गया है। तो ये चीजें होती हैं, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं सभी ब्रांड्स के साथ, ये कोई एक ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि शोरूम वाले का काम है गाड़ी निकालना जैसे मर्जी, तो लेकिन आपका काम है अपने पैसों में जो आप दे रहे हो नई गाड़ी मिलना, वो भी परफेक्ट कंडीशन में, वो आपका हक है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि पूरी गाड़ी को आप जो है इंस्पेक्ट कीजिए अच्छे से कि उसमें कोई भी कमी पेशी ना हो, कोई भी स्क्रैच ना हो, कोई भी हल्का फुल्का जो है कोई भी स्टेन्स ना हो, और गाड़ी जो है आपको परफेक्ट कंडीशन में मिलनी चाहिए। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, चेक ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें दोस्तों आ जाता है कि आप अपने पावर विंडोज जो है वो चेक कर लें, लाइट्स जो है चेक कर लें, इंडिकेटर्स चेक कर लीजिए, फोल्डिंग मिरर चेक कर लीजिए, इंफोटेनमेंट स्क्रीन अच्छे से काम कर रही है वो चेक कर लीजिए, और बहुत जरूरी मेरे पोलो में Day 1 से एक प्रॉब्लम है कि उसकी जब हम ऑक्स लगाते हैं तो उसके 2 स्पीकर्स नहीं चलते, तो ऐसी चीजें भी अगर आप चेक कर सको तो और अच्छा है कि आपके पास अगर SD कार्ड है वो चला के देख लीजिए, ऑक्स की वायर है वो भी आप चला के देख लीजिए कि सारे स्पीकर्स उसको सपोर्ट करते हैं। वो बहुत एक्सेप्शनल केस है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हेडलाइट्स आपने चेक कर लिया, ठीक है, उसके अलावा अपना AC जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं कह सकते बट मैकेनिकल ही है, बट उसके आजकल क्योंकि टच वाला भी जो है आप पंखा उससे तेज कर सकते हैं, कूलिंग उससे तेज कर सकते हैं, वो भी आप चेक कर लीजिए,
ठीक है, ये चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यही है कि जो चीज़ों में चांसेस रहते हैं हल्के फुल्के वो आपको चेक कर लेना चाहिए। अकेला अकेला पावर विंडो चाहे आप चेक कर लीजिए, ये एक बंदा आपको साथ में लेके जाना चाहिए हमेशा, छोटा बड़ा भाई, जो इस चीज़ में टाइम जो है वो लगा सके पेशेंस के साथ, जल्दी जल्दी वाला काम नहीं। फिर आ गया चेक एक्सेसरीज और फंक्शनल। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग्स दी गई हैं, जैसे मोस्टली क्या होता है रिवर्स कैमरा साथ में लग के नहीं आता तो लोग उधर से लगवाते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए कि जैसे आप चाहते हैं वैसे काम कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी आप और इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कोई लगवाया, चाहे उसमें म्यूजिक सिस्टम आपने लगवाया आपका बेस मॉडल है, या कई बार क्या होता है कि पावर विंडोज तक भी जो है वो सर्विस सेंटर वाले काम कर देते हैं, ऐसी अगर एक्सेसरी आपने कोई भी लगवाई है जो आपको प्रॉमिस की गई हो कि आपको उसके साथ मिलेगी गाड़ी में, चाहे पीछे से लग के नहीं आई और उधर से आप लगवा रहे हो एक्सेसरी ऐसी कोई, उसमें डैश कैम भी हो सकता है, तो ऐसी कुछ अगर कोई भी आप एक्सेसरी ले रहे हो उसको अच्छे से चेक कीजिए कि जैसे आप चाहते हो वैसे ही वो काम कर रही है। अगला जो है पॉइंट वो है स्पेयर व्हील, जो है आप चेक कर लीजिए कि उसमें है कि नहीं और कौन से साइज का है, वो आप कंफर्म जरूर करके रखिए कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं उसमें सेम साइज का आता है कि एक साइज कम का आता है, ताकि आप इंश्योर कर सके कि आपको स्पेयर व्हील जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो मिल रहा है। दूसरी चीज, वॉक्सवैगन की कई गाड़ियों में एक स्टार जैसी एक एक्सेसरी रहती है जो पर्टिकुलर गाड़ी को खोल सकती है, मतलब जो अगर आपका पंक्चर हो गया है तो वो स्टार वाली चीज आपको चाहिए, वही आपकी जो है पाने के आगे जो है लगेगी, जिसके साथ आप टायर जो है वो खोल सकोगे, तो वो वाली चीज ऐसी अगर कुछ किसी के ब्रांड के साथ भी और ब्रांड के साथ भी आती है तो आपको जरूर चेक करनी चाहिए कि स्पेयर टायर और साथ में जो इसका स्टार रिंग होता है वो आपके साथ होना चाहिए। बाकी फर्स्ट एड किट, टूल किट और हैजर्ड साइन, ये जो है आप अपनी गाड़ी में जरूर चेक कीजिए कि आपको साथ में मिल रहे हैं। माइलेज मतलब कितने किलोमीटर गाड़ी जो है वो चली है वो आप जरूर चेक कर लें उधर ही, और अगर 120 या 150 से ज्यादा चली है तो आपका पूछने का हक बनता है, या आप साथ जो और नई गाड़ियां हैं वो भी आप चेक कर लीजिए कि वाकई में उतनी गाड़ियां जो है वो टेस्टिंग हो के इतनी गाड़ियां आती है, स्टैंडर्ड यही है, और अगर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा चली हो तो फिर तो मुझे लगता है कि डाउट हमें होना चाहिए। बेसिकली माय पॉइंट इज कि माइलेज आप जरूर नोट कीजिए कि गाड़ी टोटल कितनी चली है, और अगर आपको लगे कि हल्की सी ज्यादा है तो कोई गाड़ी अगर शोरूम में और भी खड़ी है तो उसको चेक करके आप तसल्ली अपनी कर लीजिए कि हाँ गाड़ी 60-70 किलोमीटर टेस्ट होके आई है। फिर आता है डबल चेक इन्फो गिवन फॉर RC फॉर नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप जो अपना फादर्स नेम दे रहे हो, अपना घर का एड्रेस दे रहे हो, वो एक बार डबल चेक कर लीजिए स्पेलिंग उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर ये एक बार चढ़ गई तो फिर जो है बहुत दिक्कतें आती हैं, उसको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं किसी को भी अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज करवानी हो, तो डबल चेक आप कर लीजिए अपनी ईमेल आईडी तक या फोन नंबर, उसके साथ बैठ के मैं उसके साथ बैठ के ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है लिखवा के आया था, नाम पता सब कुछ जो है अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में आपने लिख के देनी है या उनको बता के आनी है, ताकि RC में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत छप के ना आए। ये तो दोस्तों बुलेट पॉइंट्स जो थे बहुत जरूरी। उसके बाद हल्का फुल्का जो कुछ और पॉइंट्स जो है मैं चाहता हूँ आपको जरूर ध्यान में रहे, इनवॉइस, चेसी नंबर, इंजन नंबर शुड मैच। तो जब आपके कागज ये बन के आ जाए तो इसमें फिर आपको चेक करना चाहिए कि इनवॉइस नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर जो है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस के दौरान दिक्कत आ जाती है अगर ये मिसमैच हो। फिर आता है पेमेंट रिसीप्ट्स, ये आपको संभाल के रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी कागजात होते हैं पेमेंट रिसीप्ट्स के। मैनुअल, हाँ ये इसके लिए मुझे चेस करना पड़ा था क्योंकि मैनुअल जो था पोलो में नहीं आया था, वो आपको आपके पास होना चाहिए क्योंकि सर्विस इंटरवल या सारे फंक्शंस उसमें क्या क्या फीचर्स हैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई होती है, तो मैनुअल जो है आपको ज़रूर देखना चाहिए कि गाड़ी के डैशबोर्ड में या कहाँ है, अगर नहीं है तो आप उनसे मांगिए क्योंकि उसमें एक एक फंक्शन जो है बहुत विस्तार में उसकी जो है डिस्क्रिप्शन दी गई होती है। फिर आ गया कीज, तो ये क्या होता है कि जब तक अगर कई बार होता है चेक लेट हो जाता है तो एक चाबी वो रख लेते हैं, बट दोनों चाबियां आपको मिली कि नहीं ये आप इंश्योर कीजिए, और ये भी आपको इंश्योर करना होगा कि दोनों चाबियां ये जो आप गाड़ी ले रहे हैं उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक चाबियां आ रही हैं कि मैनुअल आ रही हैं, या एक मैनुअल एक इलेक्ट्रॉनिक, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इधर ये भी है कि दोनों कीज जो है आप चेक कर लें और उनमें एक नंबर होता है वो भी आप चेक कर लें। पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये भी असूलन जो है मुझे नहीं मिला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, असूलन जो है आपको देना चाहिए। नेक्स्ट टाइम कोई भी गाड़ी अगर लूंगा या आप लेने जा रहे हो तो वो उनकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दें। बाकी आप उनसे चर्चा कर सकते हैं कि शायद नई गाड़ी का 6 महीने तक पोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। अगर इस चीज़ की किसी को जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, पर जहां तक मैंने पढ़ा है पोल्यूशन सर्टिफिकेट उनको देना होता है। अगेन वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी जो है आपके डेमो में मेंशन रहती है, और वॉक्सवैगन के केस में ये ईमेल भी आती है हमें कि स्टैंडर्ड वारंटी इतनी है जिसमें ये पार्ट्स जो है वो कवर है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हो उसके कागज 1-2 दिन के बाद मुझे लगता है कि मिलते हैं, हमारे केस में तो ऐसे ही है, तो वो कागज भी जो है आपको इंश्योर करने चाहिए। जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में आपको भूलना नहीं चाहिए कि 2 दिन के बाद आपने ये कागज कलेक्ट करना है। एक्सटेंडेड वारंटी का जो पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि उनके पास रिकॉर्ड रहता है, और अगर आपको वो तुरंत ही दे रहे हैं तो इसको भी आप जो है संभाल के रखिए। जल्दी जल्दी में ऐसी चीजें मत भूलिए, ठीक है। वारंटी हो गया, अगला आ गया वारंटी फॉर बैटरी एंड टायर्स। असूलन आपको जो बैटरी साथ में आती है और टायर्स आते हैं उसकी, या तो उनसे पूछ लीजिए कि कितनी जो है इसकी वारंटी है और टायर्स की कितनी वारंटी है, और या ईमेल में लिखा आया है कि कितने साल की वारंटी है इन दोनों चीजों की। तो आपको अगर कोई भी आप ब्रांड की गाड़ी ले रहे हो तो उनसे इसको इस चीज के विषय में पूछना चाहिए कि आपकी बैटरी और टायर्स की अगर आप वारंटी कल को क्लेम करना चाहो 1-1.5-2 साल के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो कैसे आप कर सकते हो। देखिए आप अपनी लाखों की गाड़ी ले रहे हो और एक एक चीज क्लियर कट मालूम रहना जरूरी है। कल को अगर आप फोन करोगे और अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वो आप के लिए बुरी एक्सपीरियंस वाली बात होगी। इससे अच्छा है कि पहले ही आपको एक एक चीज का पता रहे, जिसमें मैंने ये वारंटी फॉर बैटरी एंड टायर्स आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि वारंटी फॉर बैटरी एंड टायर्स आपको क्लियर पता रहना चाहिए कि इन चीजों में दिक्कत आए तो इधर कॉन्टेक्ट करना है। फिर लास्ट पॉइंट जो आ गया वो है रोड साइड असिस्टेंट डिटेल्स। ये फोन नंबर आप हमेशा अपने जो है फोन में सेव करके रखिए कि भगवान ना करे अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है या हल्का फुल्का कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो रोड साइड असिस्टेंस के लिए आपको कौन से नंबर पे फोन करना है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि फिर आसपास कोई भी अगर शोरूम होगा, चाहे वो कोई भी ब्रांड है, हर ब्रांड आजकल जो है RSA जो है प्रोवाइड करता है, जो ये वारंटी का ही पार्ट होता है मोस्टली। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि आपकी गाड़ी वो उठा के ले जाएंगे, और साथ में कई ब्रांड ऐसा करते हैं कि आपको पायलट गाड़ी दे के आपको घर तक छोड़ के भी आएंगे। तो RSA डिटेल्स रोड साइड असिस्टेंस का जो नंबर है आप अपने फोन में जरूर रखिए। तो दोस्तों ये जो लिस्ट हैं, मैंने दोनों लिस्ट जो हैं आपके वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डाल दिए। इसके अलावा भी अगर कोई और पॉइंट जो है आपको लगता है कि इसमें ऐड करना चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करूँगा। बाकी जो वॉल क्लब वेबसाइट है wallclub.com, मैंने नीचे लिंक दिया है, उसको विजिट कीजिए। उसमें रिव्यूज़ का एक मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी रिव्यू कर सकते हो। हमारी ये कोशिश है कि हम एक सच्चे और ईमानदारी से जो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ इकट्ठे वहाँ पे हो सके, ताकि एक रियल इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को मिल सके। और जो ऑलरेडी पोस्टेड है रिव्यूज़ उनका भी लिंक मैंने जो है वो दे दिया है, आप उनको अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। हर गाड़ी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि रियल बायर्स जो हैं वो कितने सालों के बाद क्या फील करते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर आपका कमेंट है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगली बार के लिए चीयर्स।